हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 20 अप्रैल 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईपी की इंपॉर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज की न्यूज है, जो आर्टिकल है, वो है स्टार रेटिंग इनिशिएटिव के बारे में। तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि स्टार रेटिंग इनिशिएटिव है वो क्या। देखो, यह मेनली गवर्नमेंट के द्वारा एक मिशन चलाया गया था, स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें सफाई को प्रमोट करना था। इसके लिए आपको पता है गवर्नमेंट ने काफी सारे छोटे मोटे और कैंपेन भी चलाए हैं इस मिशन के तहत। गंगा को भी साफ रखने की बात की गई है, इसके साथ जो खुले में शौच जाते हैं उनको भी फ्री करने की कोशिश की गई है, टॉयलेट बनाए गए हैं जगह जगह पर, मतलब सफाई की तरफ पूरा इंडिया वो लगा हुआ है। और उसी दिशा में एक्चुअली स्वच्छ भारत मिशन की तरफ एक छोटा सा कदम उठाया गया है, स्टार रेटिंग इनिशिएटिव। मतलब इसमें यह होगा कि जो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, ये मिशन क्या करेगा, जगह जगह को जो सिटीज हैं या जो भी स्कूल वगैरह वहाँ को स्टार रेटिंग प्रोवाइड करेगा कि भाई वहाँ पे सफाई वगैरह कैसी है। तो मतलब मेनली सफाई को फोकस करते हुए स्टार रेटिंग इंस्टीट्यू है वो स्टार्ट किया गया है स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें 1 से लेकर 7 तक स्टार दिए जाएंगे, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 7 ऐसे स्टार हैं वहाँ पे प्रोवाइड है वो किए जाएंगे। तो ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सामने आ जाता है कि भाई 5 स्टार नहीं है, 7 स्टार तक इसमें रेटिंग सिस्टम है वो दिया जा रहा है। किसके द्वारा? स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा। स्वच्छ भारत मिशन में भी देखो जो अर्बन अफेयर जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर, उसके द्वारा एक्चुअली इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। तो मिनिस्ट्री भी हमें ध्यान रखनी है कि जो अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यह इनिशिएटिव वो स्टार्ट है। किसने डेवलप किया है वो क्या है? स्वच्छ भारत मिशन ने। तो अब फिर आप इसको आराम से समझ सकते हो। इसमें देखो सफाई के जो इंडिकेटर्स हैं उनको फोकस किया जाएगा, जैसे कि सॉलिड वेस्ट है उसको किस तरीके से मैनेज किया गया है, या फिर जो ODF की प्रॉब्लम्स है उससे किस तरीके से निपटा गया है, या फिर जो बायो वेस्ट है उसको किस तरीके से डिकम्पोज है वो किया गया। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये इंडिकेटर है या रेटिंग है वो जारी की जाएगी। गार्बेज फ्री स्टेटस है वो दिया जाएगा सिटीज को, स्कूल्स वगैरह को, मेनली इन सबको, ताकि वहाँ पे कितनी सफाई वगैरह, उन सब सारी चीज़ों को यहाँ पे फोकस है वो किया जा रहा है। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट न्यूज। चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में। तो PMEGP है, यह मेनली एक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और सबसे अहम बात क्या है, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है वो ध्यान रखना कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, UPSC इसके बारे में पूछ सकती है। तो इसकी नोडल एजेंसी है वो है खादी एंड ग्रामोद्योग आयोग, या खादी एंड ग्रामोद्योग कमीशन है, उसके द्वारा इसकी इंप्लीमेंट है वो किया जाएगा, इसकी नोडल एजेंसी वो है। मिनिस्ट्री भी ध्यान रखनी है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं। काम क्या है इसका? काम देखो ये है कि एक्चुअली इसका काम है कि रूरल एरिया में मेनली जो क्रेडिट है वो दिया जाएगा, क्रेडिट लिंक सब्सिडी, मतलब लोगों को पैसा दिया जाएगा, उसमें सब्सिडी दी जाएगी कि भाई आप है इंप्लॉयमेंट वगैरह को जनरेट कीजिए, मतलब लोगों को स्किल वगैरह दी जा रही है। इसके साथ ही उनको इस चीज़ की तरफ प्रोत्साहित किया जा रहा है कि देखो भाई आप नौकरी पाने के बजाय आप खुद रोजगार क्रिएट, मतलब स्वरोजगार का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको प्रमोट करने के लिए, ताकि लोग ऐसा नहीं हो कि यार एक दूसरे पर निर्भर हो जाएं कि यार हम नौकरी के लिए भाग रहे हैं, मतलब लोग इस लाइक बन जाए कि वो एक दूसरे को नौकरी दे सकें, ताकि हमारे देश में जो रोजगार की प्रॉब्लम है इससे निपटा जा सके। अभी देखो हो क्या रहा है कि लोग एक दूसरे के लिए नौकरी के पीछे भाग रहे हैं कि यार मैं इस कंपनी में जाऊं मुझे नौकरी मिल जाए, मैं यहाँ जाऊं मुझे नौकरी मिल जाए। बट होगा क्या, इसमें गवर्नमेंट ये चाहती है कि भैया आप नौकरी लेने की बजाय आप लोगों को नौकरी दो, ताकि हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट की समस्या है वही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम है, इसमें गवर्नमेंट ये ध्यान रखना है कि सब्सिडी देती है जो भी एक तरह से लोन वगैरह दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके ऊपर लोगों को थोड़ी बहुत स्किल भी देती है, ताकि लोग एम्प्लॉयमेंट की तरफ अपने खुद का एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट कर सकें, किसी दूसरे की तरफ ना भागना पड़े। मिनिस्ट्री ध्यान रखनी है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज कौन सी नोडल एजेंसी है वो भी इंपॉर्टेंट है, खादी एंड ग्रामोद्योग कमीशन है वो इसकी नोडल एजेंसी है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ई सनद पोर्टल और NAD के बारे में, नेशनल एकेडमिक रिपोजिटरी के बारे में। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या। देखो यह HRD मिनिस्ट्री के द्वारा ये NAD जो रिपोजिटरी है बनेगी, इसके साथ ही HRD मिनिस्ट्री एक पोर्टल और बनाया हुआ है ई सनद पोर्टल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ई सनद पोर्टल है क्या। ई सनद पोर्टल है वो एक ऑनलाइन सबमिशन वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स वगैरह को चेक करने के लिए प्लेटफॉर्म या पोर्टल वो बनाया गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है, देखो कई बार हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं तो हमें काफ़ी लंबी लाइन में लगना पड़ता है, वेरिफिकेशन वगैरह में टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे कई बार वीकेंड छुट्टी वगैरह होती है तो हमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इवन ऑफिसर्स को भी प्रॉब्लम होती है, उनके भी हेडेक होता है कि यार हम बंदा फिजिकल प्रेजेंट हो उसके बाद हम उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करें, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को मैनेज वगैरह करना, वो सारा इश्यूज होता है। तो इसलिए ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट किए जाएंगे और ऑनलाइन ही उनको वेरीफाई करने के लिए पोर्टल वो बनाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ई सनद पोर्टल है वो एक ऑनलाइन पोर्टल है, इसमें होगा क्या, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको ऑनलाइन ही सबमिट किया जाएगा और ऑनलाइन ही उनको वेरीफाई वगैरह किया जाएगा, HRD मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है।
इसमें जो यूजीसी के जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह हैं वो भी इसमें शामिल वगैरह हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किसने इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो आपको पता है कि हमारे देश में जो भी एक्चुअली आईएएस वेबसाइट वगैरह बनाई जाती है, अभी जो भी पोर्टल हो, रिपोजिटरी हो, ये मेनली नेशनल नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर है, NIC है, उसके द्वारा बनाई जाती है और इसकी कोऑर्डिनेशन में इसको काम वो किया जा रहा है। इसके साथ इसमें जो CBSE है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, वो इसमें शामिल है। इसके साथ ही यहाँ पे स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज हैं, वो भी यहाँ पे शामिल है। और इसी के साथ हमारे देश की एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्ट्री है वो भी यहाँ पे इसमें साथ एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन सहयोग है वो कर रही है। तो ये चीज ध्यान रखने की ई सनद पोर्टल है क्या। अगला है वो है नेत के बारे में, नेशनल अकेडमिक रिपोजिटरी। नेशनल अकेडमिक रिपोजिटरी है, यह एक 24x7 ऑनलाइन स्टोर हाउस है। मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को 24x7 के लिए स्टोर किया जाता है। आप ये समझ सकते हो जिस तरीके से देखो गूगल ड्राइव होता है, वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, उसी तरीके से एक रिपोजिटरी है, एक क्लाउड वो बनाया गया है 24x7 का। मतलब कभी भी इसका यूज हम वो कर सकते हैं। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो भी किसी के अवार्ड हैं वो रखे जाएंगे, इसके साथ ही जो भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो रखे जाएंगे। इसके साथ ही जैसे डिप्लोमा वगैरह हुआ, डिग्री वगैरह हुई, मार्कशीट वगैरह हुए या फिर और भी डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, वो सब ऑनलाइन स्टोर करने के लिए एक तरीके से रिपोजिटरी बनाई है वो गई है। किसने स्टार्ट किया है, वो किया है HRD मिनिस्ट्री ने। तो ये दोनों चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के बारे में। तो देखो स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम है वो भी HRD मिनिस्ट्री का ही एक इनिशिएटिव है। अब है क्या, आपको पता है कि हमारे देश के हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट है ना वो अभी इतने अच्छे नहीं है, मतलब वर्ल्ड क्लास लाइक नहीं है, क्योंकि टॉप 100 के अंदर अभी हमारे देश का कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो शामिल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये किया है, HRD मिनिस्टर ने, तो भी बात ऐसी है कि हम हमारे एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी वो इम्प्रूव करते हैं। तो उसके लिए किया गया है कि हम एक्चुअली जो बाहर के स्टूडेंट है ना, फॉरेन स्टूडेंट, हम उनको इंडिया में बुलाएंगे, हम उनको इंडिया इन्वाइट करेंगे, हम उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो इंडिया के जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट वगैरह है ना वहाँ पे आके स्टडी वगैरह कर सकें। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे देखो एक तो इंडिया की जो गुडविल है वो जनरेट होगी, इसके साथ ही इंडिया के एक तरीके से ग्लोबल जो एजुकेशन एक्सपोर्टर है वो बन जाएगा। ग्लोबल एजुकेशन एक्सपोर्टर का मतलब सीधा सीधा आप ये लिख सकते हो कि इंडिया एजुकेशन को भी एक्सपोर्ट करेगा। एजुकेशन को एक्सपोर्ट करने का देखो मतलब यही होता है कि बाहर के जो फॉरेन स्टूडेंट हैं वो इंडिया आएंगे, इंडिया से स्टडी करके फिर वापस जाएंगे। तो मतलब ये होगा एक तरीके से एक्सपोर्ट ही होगा ना, कि यहाँ से नॉलेज लेके जा रहे हैं। तो एजुकेशन एक्सपोर्ट, इसको प्रमोट करना, इसके साथ ही हमारे देश की जो एजुकेशन की रैंकिंग है हायर इंस्टीट्यूट की, उसको भी इसमें प्रमोट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए काफी हेल्प है वो मिलने वाली है। और इसमें कहाँ कहाँ से बच्चों को इन्वाइट किया जाएगा, इसमें मेनली साउथ एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं आसियान, वहाँ से, या फिर मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं मेनली दुबई, उसके दुबई हुआ, यहाँ पे ईरान हुआ, इराक हुआ, सऊदी अरब वहाँ की कंट्रीज, या फिर अफ्रीका हुआ, इन कंट्रीज से लोगों को इन्वाइट है, स्टूडेंट्स को उनको इन्वाइट किया जाएगा कि भाई आप आइए इंडिया में, यहाँ पे हायर एजुकेशन वो लीजिए, इनको स्कॉलरशिप वगैरह वो भी प्रोवाइड कराई जाएगी। इससे बेनिफिट हमें क्या होगा, हमारी रैंकिंग इंप्रूव होगी और हमारा जो ग्लोबल एजुकेशन एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा। तो ऑल ओवर हमको काफी कुछ फायदा होने वाला है। इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं एक्चुअली कनाडा ने भी काफी यूज किए हैं, ऑस्ट्रेलिया में अपनाए गए हैं और यूके में भी। देखो हमारे देश के काफी स्टूडेंट हो, आपको पता है कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं हायर एजुकेशन की स्टडी करने के लिए। क्यों, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने भी इस तरीके के प्रोग्राम हो चला रखे हैं। तो इसीलिए उसी तरह से इंडिया ने भी ऐसा प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया है। चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एक्चुअली आया है इकोसोक के बारे में, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में। कंटेक्स्ट कुछ ऐसा है कि इको यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इसमें भी कुछ इलेक्शंस वगैरह हुए थे। तो वो सारे इलेक्शंस वगैरह क्या हुए थे, उसमें भारत को एक्चुअली विजयी है, मतलब भारत को सफलता जीता है वो हुई है। तो हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई इकोसोक वगैरह है क्या, क्योंकि यहाँ पे UPSC क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकती है। देखो यूनाइटेड नेशन है वो आपको बताया कि 1945 में बनाया गया था। तो यूनाइटेड नेशन के मेनली 6 ऑर्गन है, उन 6 ऑर्गन में से एक ऑर्गन है वो है इकोसोक। तो हम 6 ऑर्गन है कौन कौन से एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहला आप देखते हैं वो है जनरल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके बाद में आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसे हमने काफी बार डिस्कस भी किया है। इसके बाद में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट आता है, इसके साथ ही बाद में आता है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टशिप काउंसिल आती है, इसके साथ ही आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इसके बाद में आता है जो है हमारा यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चलो आप यहीं पे क्वेश्चन आ गया वो बताइए, इंडिया ICC का पार्ट है या नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसका इंडिया पार्ट है या नहीं, ये आप बताइए। इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका पार्ट आपको बताना कि इंडिया है या नहीं, इन दोनों के बारे में बताइए कि इंडिया ICC का पार्ट है या नहीं। इसके साथ ही आपको बताना कि इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पार्ट है या नहीं, इसका मेंबर है या नहीं है। तो ये आपको दोनों स्टेटमेंट मैंने बता दिए, इसके बारे में कौन सा सही है कौन सा गलत है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला स्टेटमेंट ये है कि इंडिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसका मेंबर है या नहीं है, ये बताना है, मतलब है या नहीं है। दूसरा ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर है या नहीं है।
अब देखो बात ऐसी है कि इसके यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंट का काम है क्या, इसके बारे में थोड़ा भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो यूनाइटेड नेशन की आपको पता है कि स्पेशलाइज एजेंसी है, 15 यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है। कौन कौन सी? जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हुआ, वर्ल्ड बैंक हो गया, इसके साथ ही इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन हो गया, या फिर यूनेस्को आप ले सकते हो, फिर WHO होगा। इस तरीके से टोटल 15 इसकी स्पेशलाइज एजेंसी है। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है भाई इकोनॉमिक रूप से भी सभी कंट्रीज का डेवलपमेंट करना, सोशल तरीके से डेवलप करना, मतलब ऑल ओवर बात ये कि जो भी कंट्रीज हैं उन सभी कंट्रीज का डेवलपमेंट होना चाहिए। वहाँ पे साइट्स वगैरह उनका भी कंजर्वेशन हो गया, उनको पैसे वगैरह की जरूरत है, वो भी सारे काम यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि इनका दायरा है जो एरिया वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि IMF हुआ, यूनेस्को हुआ, या फिर IMF वर्ल्ड बैंक ले लो, या फिर WHO यूनेस्को ले लो, मतलब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। तो कोऑर्डिनेशन का जो सारा काम होता है ना, सभी जो 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है इनके बीच में वो काम किया जाता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा। तो ये हमें ध्यान रखना कि यूनाइटेड नेशन की जो 15 स्पेशलाइज एजेंसीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन समन्वय का काम कौन करता है? वो करता है इकोसोक। तो ये चीज हमारे लिए यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हो जाती है। 15 मेंबर हैं इकोसोक के, वो सॉरी 54 मेंबर हैं इसके, वो चीज भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इंडिया ऑब्वियसली इसका मेंबर है। चलते हैं अब आगे। अगला जो आर्टिकल है वो है भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बारे में। तो कंटेक्स्ट यही है कि भारत नॉर्डिक सम्मेलन वो भी आयोजित किया गया रिसेंटली, भारत के प्रधानमंत्री साहब ने उसमें हिस्सा वो लिया था। हुआ कहाँ पे था? यह हुआ था स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, वहां पे। स्टॉकहोम कन्वेंशन किस लिए? चलो वो आप बताइए। आज का पहला क्वेश्चन आपको मैंने ये ICC के बारे में पूछ लिया। सेकंड क्वेश्चन है वो बताइए स्टॉकहोम की लोकेशन है वो कहाँ पे है। UPSC पूछ सकते हैं, मैपिंग वगैरह में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में आपको बताना है कि किससे रिलेटेड है। अब है क्या भारत नॉर्डिक सम्मेलन? देखो भारत और जो नॉर्डिक कंट्रीज है ना उनके बीच में रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए सम्मेलन है या होस्ट है वो किया गया है। अब नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी आपके दिमाग में आएगा? तो नॉर्डिक कंट्रीज वो हैं जो नॉर्थ यूरोप और इसके साथ नॉर्थ अटलांटिक जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी, जैसे डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हुआ, आयरलैंड हुआ, या फिर नॉर्वे, इसके साथ स्वीडन। ये 5 कंट्रीज हैं एक्चुअली नॉर्डिक कंट्रीज में आती हैं। तो एक बार इसको हम यहाँ पे मैप से भी थोड़ा डिस्कस है वो कर लेते हैं। ये एक्चुअली आप देख, एक सेकेंड थोड़ा मैप काफी बड़ा हो गया, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये तो हो गया यहाँ पे आयरलैंड, इसके साथ ही यहाँ पे नॉर्वे, यहाँ पे स्वीडन और यहाँ पे फिनलैंड। जो स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं उनमें 3 कंट्रीज आती हैं, एक तो फिनलैंड आता है, यहाँ पे स्वीडन आता है, यहाँ पे नॉर्वे। तीनों कंट्री हैं वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ पे स्कैंडिनेवियन प्लेटू भी है, पेनिनसुला भी है, तो वो चीज़ भी थोड़ा हमें पता होना चाहिए। और ये यहाँ पे डेनमार्क है। डेनमार्क एक्चुअली आपको बता दूं कि यहाँ पे जूट आइलैंड, जूट पेनिनसुला है उसके ऊपर बना हुआ है, मतलब यहाँ इस पेनिनसुला को जूट पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला क्या होता है? प्रायद्वीप होता है। प्रायद्वीप मतलब क्या होता है? उसके 3 भागों में एक्चुअली पानी है वो घिरा होता है, मतलब वो भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है जमीन का। तो इसके इस साइड भी पानी देख सकते हो, इधर भी पानी है और इधर भी। तो डेनमार्क है वो प्रायद्वीप है। और प्रायद्वीप कौन सा नाम है इसका? इसका नाम है जूट प्रायद्वीप। तो ये चीज भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है मैपिंग के इम्पोर्टेंट नजरिए से। तो ये भी थोड़ी हमने लोकेशन यहाँ पे डिस्कस है वो कर लिए। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो देख लेते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो। सबसे पहले आपको बताना है कि दर्पण PLI के बारे में, जो हमने कल ही डिस्कस किया था कि दर्पण PLI एप्लीकेशन है वो किसके लिए है? हेल्थ के लिए है, या फिर एजुकेशन के लिए है, या फिर इंडस्ट्री के लिए है, या फिर इंश्योरेंस के लिए? तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। हमने कल ही डिस्कस किया था कि दर्पण पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस एप्लीकेशन है वो एक्चुअली इंश्योरेंस के लिए। तो ऑब्वियसली 4th ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाता है कि इंश्योरेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो भी है अशोक दलवाई कमेटी के बारे में। तो ये आपको बताना है कि अशोक दलवाई कमेटी है वो किसके लिए है? इसके बारे में हमने अभी 1-2 दिन पहले ही डिस्कस किया था। अशोक दलवाई कमेटी के बारे में ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, किसानों की इनकम डबल करने के लिए, इसके साथ ही इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए, इसी के साथ ही इसका काम मेनली है ताकि इंडिया के जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन इंप्रूव करने के लिए, या फिर इंडिया के डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। तो कौन से काम के लिए इसका निर्माण है वो किया गया था? देखो अशोक दलवाई कमेटी है उसका एक्चुअली मेन काम ये था कि किसानों की इनकम है वो डबल करनी है, MSP की बात है, दूसरे मेथड की उसके थ्रू। तो ये हमें ध्यान रखना कि जब भी किसानों की बात आती है, किसानों के राइट्स की बात आती है, तो वहाँ पे अशोक दलवाई कमेटी का जिक्र जरूर होता है। तो इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बन जाता है। अब आप एक चीज़ और क्वेश्चन है वो बताइए, वो एक्चुअली आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वो आपको बताना है जूरा माउंटेन के बारे में। तो जूरा जो माउंटेन है वो एक्चुअली आपको तो यूरोप में है। अब आपको इसकी लोकेशन बताने की कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में बॉर्डर है वो बनाता है जूरा माउंटेन। क्योंकि देखो मैपिंग भी हमने डिस्कस वो ऑलरेडी पहले कर ली थी, तो इसको भी अभी काफ़ी रिवाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही आपको बताना है कि जो यूरोप की हाइएस्ट पीक है, माउंटेन पीक है, उसका क्या नाम है? यूरोप की हाइएस्ट जो माउंटेन पीक है उसका नाम क्या है?
ऑप्शन आपको दे देता हूँ, हिंट्स दे देता हूँ कि काकेसस जो माउंटेन है उसके ऊपर इस पीक का नाम है। अब नाम उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूरोप की हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है। तो इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली है वन बंधु कल्याण योजना के बारे में। इसके बारे में तीन स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनना। पहला स्टेटमेंट ये है कि है देश के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि आदिवासी एरियों की कल्चर और उनकी जो विरासत है उनको कंजर्व करने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट है वह है कि आदिवासी परिवार है उनकी गुणात्मक और उनको स्थायी तरीके से रोजगार प्रोवाइड करवाने के लिए वन बंधु कल्याण योजना वो चलेगी। तो इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। जो वन बंधु कल्याण योजना है वो एक्चुअली ट्राइबल एरिया में एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए तथा वहाँ की जो कल्चर और जो विरासत है उसको संभालने के लिए, इसी के साथ ही उन लोगों की जो लाइफ है उसको आगे इम्प्रूव करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए प्रोग्राम है, योजना है वो चलाई गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको बता दूँ, वो है एक्चुअली अटोर्नी जनरल के बारे में। तो इसके बारे में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट यह है कि अटोर्नी जनरल की जो नियुक्ति है वो भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अटोर्नी जनरल है उनको एक्चुअली लोकसभा में बोलने और मत देने का अधिकार है वो होता है। तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है। देखो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि अटोर्नी जनरल है उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट है वो किया जाता है, यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं होगा। सेकेंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि लोकसभा में इनको बोलने और मत देने का अधिकार है वो नहीं होता है। एक्चुअली ये लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी सेशन वगैरह होता है तो उसमें जा सकते हैं, बैठ सकते हैं मीटिंग वगैरह में, बट इनको वोटिंग वगैरह कोई भी राइट्स वगैरह नहीं होता है। तो इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट है वो गलत हो जाते हैं। जो आज के दो तीन क्वेश्चन हैं इनके आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।